यह कहानी एक गरीब चिड़िया की है जो शिवपुर के जंगल में रहा करती है। वह एक अनाथ चिड़िया है जिसका नाम टुनटुनी है। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता का बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? काश मैं भी आपके साथ उस दुर्घटना में मर गई होती। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टुनटुनी चिड़िया को नौकरी की बहुत तलाश थी, मगर उसे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी। बंटी जी, अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, अब मैं घर का सारा काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ बबली, तुम गर्भवती हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यह घर का काम कौन करेगा। बंटी जी, क्यों ना आप घर में एक काम वाली रख लेते हैं, वह घर का सारा काम भी कर देगी और मेरा ख्याल भी रख लेगी। मगर बबली, इस जंगल में हमें ऐसा कोई कहाँ मिलेगा। बंटी जी, क्यों ना आप रंगबाज चील के पास जाते हैं, वह पूरा जंगल घूमता है, जरूर उसे कोई पता होगा। दोस्तों, आपके लिए हम हर रोज एक नई कहानी बनाते हैं, फिर भी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। आप अभी इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए। ठीक है बबली, तुम आराम करो, मैं अभी जाता हूँ और पता कर आता हूँ। फिर इतना बात कहकर बंटी कबूतर उस रंगबाज चील के पास जाता है। रंगबाज चील, मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे एक काम वाली चाहिए। तुम्हें ऐसा कोई पता है जो हमारे घर का साथ हमारी बीबी का भी ख्याल रख ले। हाँ बंटी, इस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उसे काम की बहुत जरूरत है। फिर अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के यहाँ काम वाली बनकर उसके घर का काम भी करती और साथ में उसकी पत्नी का ख्याल रखती। इसी तरह अब एक महीने गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी का एक खूबसूरत सा लड़का पैदा होता है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखी हो, इसी वजह से हमारा बेटा बहुत स्वस्थ पैदा हुआ है। अब तुम कहीं मत जाओ चिड़िया, अब तुम हमारे यहाँ रोज आना और झाड़ू पोछा कर अपना गुजारा कर लेना। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपने घर में हमेशा के लिए काम वाली रख लेता है। इसी तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के यहाँ काम कर रही थी, तभी अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें टुनटुनी चिड़िया का घर टूट जाता है। जब बारिश खुली तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर टूट गया है और जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, मेरा घर तो टूट गया है। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया को कुछ पत्ते दिखाई देते हैं। क्यों ना मैं इन पत्तों का एक खूबसूरत सा घर बनाती हूँ। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया उन पत्तों का एक खूबसूरत सा घर बनाती है और बंटी कबूतर के घर काम वाली का नौकरी कर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन दहेज के वजह से उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पिताजी, लगता है कि मेरी शादी आप इस लगन में भी नहीं करवाएंगे। मेरी सभी सहेलियों का शादी हो गया है, बस मैं ही केवल बची हूँ। पिंकी, चिंकी और टुनी का भी शादी हो चुका है पिताजी। बेटी टुनटुनी, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास उतने दहेज देने के लिए पैसे नहीं है टुनटुनी। मगर बेटी तुम चिंता ना करो, मैं कल सीतापुर के जंगल में जाऊँगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का खोजकर आऊँगा। अगली सुबह बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के लिए एक खूबसूरत सा दुल्हा देखने के लिए सीतापुर के जंगल में जाता है। बंटी कबूतर को लड़का खोजने में सुबह से दोपहर हो जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के लिए अभी तक शादी के लिए उसे लड़का नहीं मिलता।
तभी उसे रास्ते में एक रंगबाज चील मिलता है। फिर बंटी कबूतर अपना सारा दुख रंगबाज चील को बताता है। हाँ बंटी, थोड़ी ही दूर पर एक बबली कबूतरी का घर है। उसका बेटा कालू कवा शादी के लायक हो गया है, लेकिन उसके काले होने की वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तुम जाओ अपने बेटे टुनटुनी चिड़िया के बारे में बात करो। हाँ भाई साहब, मानता हूँ कि मेरा बेटा कालू कवा काला है, मगर यह बहुत ही मेहनती है। आप दहेज एक भी रुपए नहीं दीजिएगा, बस अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया का शादी हमारे बेटे कालू कवा से करवा दीजिए। बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शाम को अपने घर जाता है और पूरी बात अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, तुम्हारा पति बहुत ही काला है, मगर वह शादी के लिए मान गया है। टुनटुनी, तुम भी अपना शादी के लिए मान जाओ। शादी के लिए बड़ा मुश्किल से यह लड़का मिला है टुनटुनी। ठीक है पिताजी, आप जो लड़का देखे होंगे वह अच्छा ही देखे होंगे, मैं उसी से शादी कर लूँगी। कुछ दिन बाद कालू कवा और टुनटुनी चिड़िया का बहुत धूमधाम से शादी हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया को विवाह कर कालू कवा अपने घर ले जाता है। इसी तरह अब दिन बीत रहे थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी बहुत कपटी किस्म की सास थी। वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को दहेज के लिए ताना दिया करती थी। क्यों रे चिड़िया, तेरा बाप तो हमें एक भी दहेज नहीं दिया। मेरे कालू के लिए तो बहुत दूर दूर से रिश्ता आया करता था, मैं फिर भी तुमसे ही शादी करवाई। माँ जी, आप लोग शादी के पहले दहेज नहीं मांगे थे, तो क्यों अब आप लोग दहेज मांग रहे हैं? तभी वहाँ कालू कवा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से दहेज के बारे में बातें करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे भी फ्रिज और एसी चाहिए। यह सब कैसे होगा जी, मेरे पापा बहुत गरीब हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि यह सब दे सके। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की मजबूरी मानने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी एक पेड़ के डाल पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी बबली कबूतरी का पैर फिसल जाता है और वह घायल हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को एक अस्पताल में भर्ती कर देती है और उसे ब्लड दे देती है। उससे वह बबली कबूतरी ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, जो तुम मेरी माँ को ब्लड देकर उनका जान बचाई हो। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें दहेज के बारे में कभी परेशान नहीं करूँगा। हाँ टुनटुनी बहू, मुझे भी माफ कर दो, अब मैं तुम्हें दहेज के लिए कभी नहीं कहूँगी। अरे ओ टुनटुनी, तुम अपने पति कालू कवे के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी? करवा चौथ का व्रत आने वाला है। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का दिन आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कवे के लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती है। टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखकर खुशी खुशी रहने